कुछ दिन पहले तंजीम इस्लामी के कुछ लोग आए मेरे पास। तंजीम इस्लामी बहुत अच्छा काम कर रही है दरस कुरान के। मैंने बताया दुनिया में कोई भी तंजीम ऐसी नहीं है जिस जो 100% सही हो। तो मेरे इस बयान का ये मतलब ना ले लें कि मैं तंजीम इस्लामी के खिलाफ हूँ। एक आलिम ने मुझे बताया जो तंजीम इस्लामी में थे कि तंजीम इस्लामी कुछ मुस्बत एक्टिविटीज़ होती हैं इनकी कि भाई अब मुल्क में बेहयाई के खिलाफ जो है ना वो एक कंपेन चलाएं। तो इसी तरह उन्होंने कंपेन चलाई सूद के खिलाफ। सूद के खिलाफ कंपेन चलाई, आपने देखा होगा जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे। बहुत अच्छी कंपेन थी वो, मैं भी खुश होता था यार माशाल्लाह ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे अंदर ही के बाज लोगों ने बताया कि उस कंपेन में उन्होंने साथ साथ इस्लामिक बैंकिंग की मुखालफत भी शुरू कर दी और किस्तों के कारोबार की भी, कि ये भी वही है कोई फ़र्क नहीं है। और उससे क्या हुआ कि लोग उलमा से बदगुमान होना शुरू हो गए, क्योंकि उलमा क्या कहते हैं किस्तों का कारोबार क्या है। अब कैश पे कोई चीज़ हमेशा सस्ती होती है और किस्तों पे महंगी, तो वो कहते देखो उधार पे नफ़ा उठा रहे हैं तो ये क्या हो गया, सूद हो गया। खैर तंजीम इस्लामी में जो चंद उलमा थे उन्होंने इस चीज़ को रोका, वरना तंजीम इस्लामी ठीक ठाक बदनाम हो जाती। उन्होंने रोक लिया इस चीज़ को, अच्छी बात है। लेकिन रोका किसने, जो बाकायदा मदरसे से फारिग थे, भाई ऐसा नहीं है। तो मैं ये कर रहा हूँ क्यों, इखलास होना काफ़ी नहीं है। आप अगर सूद के खिलाफ भी कंपेन चला रहे हैं तो आपको सूद पे बाकायदा उबूर होना चाहिए कि सूद की डेफिनेशन क्या है। अवाम पता है किस पे जाती है, हिकमतों पे। अवाम कहती है देखने में चूंकि एक जैसे लग रहे हैं, क्योंकि सूद का मकसद जो है यानी सूद में जो खराबियां हैं वही किस्तों के कारोबार में खराबियां पाई जा रही हैं। भाई वो भी उधार पे नफा और ये भी उधार पे नफा, तो ये काम उलमा का है कि वो खराबियां यहां हैं या नहीं है। बास कहते हैं इन्होंने हीले इख्तियार किए हैं, तो ये उलमा जानते हैं कि कौन सा हीला जायज़ है और कौन सा हीला। अवाम के पास ये हैरत की बात है, कोई डॉक्टरों के काम में टांग नहीं अड़ाता, हकीमों की फील्ड में कोई टांग नहीं अड़ाता, इंजीनियर के काम में कोई टांग। अब ये जो इंजीनियर ये बना रहे हैं ना ग्रीन बस के लिए पुल बन रहा है, कभी देखा किसी फंटर को जाके बोल रहा मेरे हिसाब से ये पिलर यहाँ नहीं आना चाहिए, कुरान हदीस की रोशनी में। वो बोलेगा जा भाई अपना काम करे यार, कोई भी नहीं सुनेगा, सऊदी अरब में भी नहीं सुनता कोई। जो कहते हैं ना सऊदी अरब जो है ना बिल्कुल कुरान हदीस पर अमल करते हैं, वहां भी मुफ्ती का फतवा माना जाएगा। वहां किसी शख्स को इनफरादी तौर पर कुरान हदीस की रोशनी में फतवा देने की जरूरत यानी इजाजत नहीं है। वहां बैठ के कोई कहना मैं कुरान हदीस को मानता हूं और मैं किसी मुफ्ती के फतवे को नहीं मानता, हुकूमत फौरन उसे क्या कर देगी, अरेस्ट करेगी, गिरफ्तार करेगी। तू कौन होता है, ये इतने जो हमने इदारे खोले हुए हैं, यूनिवर्सिटियाँ खोली हुई हैं, ये बेकार खोली हुई हैं। ये सिर्फ हमारा मुल्क है जहाँ फ्री छूट है, कोई भी उठ के जाली हकीम भी बन जाता है, जाली डॉक्टर भी बन जाता है और जाली मुफ्ती भी बन जाता है। और पब्लिक कह रहे हैं बात चूंकि दलील से कर रहा है लिहाजा इसकी बात में दम है। तुम्हें पता कैसे चला कि दलील से कर रहा है कि नहीं कर रहा, तुम्हारे पास इतना इल्म कहाँ से आ गया, तुम्हें कैसे पता चल गया कि ये जो बात कर रहा है ये वाकई मुस्तनद है। देखो दलील को पहचानने के लिए भी कुछ सलाहियत होनी चाहिए, आपको पता हो ना कि दलील